हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ योजना, जिसका टॉपिक है अल्पना निर्माण। तो सबसे पहले हम प्रविष्टियां देखेंगे कि पाठ योजना बनाते समय कौन कौन सी प्रविष्टियां अंकित की जाती हैं। तो यहाँ सबसे पहला बिंदु देख रहे हैं लेसन प्लान नंबर, यहाँ यथा अनुसार यानी कि जैसी संख्या होगी वैसे ही अंकित की जाएगी। डेट जिस दिन पढ़ाया जाएगा उस दिन की दिनांक यहाँ पर अंकित की जाएगी। सब्जेक्ट यानी कि विषय है गृह विज्ञान। स्कूल जिस विद्यालय में पढ़ाया जाना है पाठ्य योजना को उसको अंकित किया जाएगा। सब सब्जेक्ट होम मेकिंग। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दूसरी साइड क्लास, कक्षा 8 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है। सेक्शन ए पीरियड फर्स्ट और ड्यूरेशन 30 मिनट्स। इस संबंध में मैं बताने देना चाहूँगी कि पीरियड सेक्शन आदि हम वहाँ के अनुसार डालेंगे जहाँ पर ये पाठ्य योजना का अध्यापन कार्य किया जाना है। ड्यूरेशन प्रत्येक विद्यालय में अलग अलग रहती है, कहीं 30 मिनट, कहीं 35 मिनट, कहीं पर 40 मिनट, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अंकित करेंगे और उसी टाइमिंग में हम जो है अपनी पाठ्य योजना का अध्यापन कार्य पूर्ण करेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर टॉपिक है अल्पना निर्माण। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो कार्यक्रम आदि होते हैं तो वहाँ अल्पना का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि सुंदरता आकर्षकता बढ़ती है। अब हम इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि उद्देश्य, उद्देश्यों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम है सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये विषय से संबंधित रहते हैं, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जो है विषय से संबंधित रहते हैं। छात्राएं गृह विज्ञान विषय में रुचि ले सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान विषय की उपयोगिता समझ सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान विषय के माध्यम से जीवन को सरल बना सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान विषय के माध्यम से घर परिवार के सदस्यों की देखरेख कर सकेंगी। तो ये थे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है वो गया है, या कहें इसमें थोड़ा सा अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ होंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम देखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। छात्राएं अल्पना निर्माण हेतु स्थान चयन करने में समर्थ हो सकेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रंगोली यानी कि अल्पना आदि बनाते समय ऐसा स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पर व्यक्तियों का चलना फिरना कम रहे, जैसे कि जो भी स्थान है उसके बीचों बीच बनाई जा सकती है, और साइड में जहां पर अगर हम कोने में लेते हैं कि कोने में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा तो वहाँ पर देखेगा भी कोई नहीं। तो इसलिए हमें स्थान का चयन बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। छात्राएं अल्पना निर्माण हेतु उपयुक्त प्रयुक्त सामग्री की सूची बनाने में समर्थ हो सकेंगी, छात्राएं अल्पना की रूपरेखा बना सकेंगी, छात्राएं अल्पना निर्माण हेतु उपयुक्त रंगों का चयन कर सकेंगी। अब हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। छात्राएं अल्पना से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं, विशेष जानकारी देनी बाकी होती है, तो इसलिए यहाँ लिखा गया है छात्राएं अल्पना से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में हम सामान्यतः देखते हैं चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, यहाँ पर रंग आदि जो भी हम सामग्री प्रयोग कर रहे हैं उसको भी यहाँ पर अंकित किया जाएगा। विशेषकर रंग तो एक प्रमुख स्थान रखते हैं अल्पना बनाते समय, और जैसे कि फूल का भी प्रयोग कई लोग करते हैं, कई दीपक का प्रयोग करते हैं, कैंडल का प्रयोग करते हैं, और कई लोग पत्थर आदि के जो टुकड़े होते हैं उसका प्रयोग भी कर लेते हैं, बुरादे का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समय और अल्पना चयन कर लेने के बाद कि हमें किस तरह की अल्पना बनानी है उसके अनुसार हम यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री अंकित कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पाठ्य योजना का प्रारूप। सबसे पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु का, टीचिंग पॉइंट्स का। सेकेंड कॉलम है अनुदेशनात्मक उद्देश्य यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड कॉलम है छात्राध्यापक क्रियाएं, पपिल टीचर एक्टिविटीज़।
नेक्स्ट कॉलम है छात्र क्रियाएं, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, नेक्स्ट है विधि प्रविधि, शिक्षण सहायक सामग्री, मेथड्स, टेक्निक और टीचिंग एड्स का। लास्ट कॉलम है मूल्यांकन का, इसमें कोई प्रश्न पूछकर हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं या फिर कार्य रूप में परिणित कराकर किसी भी वर्ग को हम छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम निकल पाएंगे प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर इसमें बच्चे टॉपिक से में जो है इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। तो हिंदुओं के त्यौहारों के नाम बताइए छात्रों से प्रश्न जो है छात्राध्यापक करेंगे। होली, दीपावली, दशहरा आदि कोई से भी त्यौहार बता सकते हैं, लेकिन मुख्य त्यौहार अवश्य बताएंगे। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार हैं। दीपावली पर किन किन स्थानों की सजावट करते हैं? घर के विशेष स्थानों जैसे कि दीवारों की सजावट करते हैं, दरवाजों की करते हैं, फर्श की सजावट आदि करते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है जो स्टूडेंट्स होते हैं वे किसी भी तरह से घुमा फिराकर जो है उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उत्तर वही देंगे जो कि प्रश्न का आधार है। फर्श पर सजावट को क्या कहते हैं? फर्श पर सजावट को अल्पना निर्माण कहते हैं। अल्पना निर्माण के विषय में बताइए। यहाँ छात्राएं नहीं जानती हैं, नहीं समझती हैं, तो अस्पष्ट उत्तर देंगी या फिर अपूर्ण उत्तर देंगी, ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम देखेंगे उद्देश्य का कथन यानी स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ जो है नवीन ज्ञान देने के लिए उद्देश्य कथन होगा। तो फर्श पर डिज़ाइन आदि से सजावट करना अल्पना निर्माण कहलाता है। आज हम अल्पना निर्माण के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व ज्ञान प्रत्यास्मरण और अनुमान के आधार पर ही यहाँ पर जो है नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाता है। छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगी, यहाँ कथन विधि का प्रयोग हो रहा है। निर्माण सामग्री पहला है टीचिंग बिंदु, शिक्षण बिंदु, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। अल्पना एक शुभ प्रतीक है, इस कारण इसे प्रवेश द्वार पर, आंगन में और पूजा स्थल पर निर्मित किया जाता है। अल्पना निर्माण में चार्ट पर अंकित सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। दरवाजों, पूजा गृहों व आंगन में अल्पना बनाते हैं। तो यहाँ हम चार्ट देख रहे हैं, छात्राएं यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। अल्पना निर्माण में क्या क्या प्रयोग में लाए जाते हैं सामग्री? वह है रंग, बुरादा, चौक, पेंसिल, फेविकॉल, हार्डबोर्ड, कील, हथौड़ी इत्यादि, यानी कि जो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं वो यहाँ पर, और भी जो हम रंगोली बना रहे हैं उससे पहले तो उनको भी लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं विकासात्मक प्रश्न, अल्पना को किन किन स्थानों पर बनाते हैं? अल्पना दरवाजों, पूजा गृहों व आंगन में बनाते हैं। अल्पना में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? अल्पना में रंगों, बुरादा, चौक आदि का हम प्रयोग करते हैं। अल्पना की रूपरेखा या कल्पना निर्माण के विषय में बताइए, यहाँ स्पष्ट तो मिलेगा। अब जो है नेक्स्ट नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षण बिंदु शुरू हो जाएगा। अल्पना की रूपरेखा व कल्पना निर्माण। अल्पना वृत्ताकार, चतुर्भुज, गर्गाकार, षटकोण इत्यादि आकारों में बनाई जाती है। अल्पना हेतु केंद्रीय स्थान का चुनाव किया जाता है। अल्पना हेतु कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत दिमाग में सोचते हैं और उसके आधार पर हम डिज़ाइन तैयार करते हैं कि किस प्रकार की रंगोली इस अवसर के अनुकूल रहेगी और उपयुक्त तो रहेगी, स्थान के अनुकूल रहेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो छात्राओं बनाने वाले यानी कि जो व्यक्ति बनाता है, बनाने वाले व्यक्ति का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। अब मान लीजिए अल्पना का आकार बहुत बड़ा हमने सिलेक्ट कर लिया, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सारी जगह तो अल्पना से ही गिर जाएगी, व्यक्तियों के ना तो बैठने की जगह बचेगी और ना ही इधर उधर जाने की, निकलने की जगह बचेगी। तो इसलिए जो है अल्पना की रूपरेखा का जो पहले से ही हम बना लेते हैं। अब हम देख रहे हैं विकासात्मक प्रश्न, अल्पना को जो है आकर्षण किसके संयोजन से प्राप्त होता है? अल्पना का आकर्षण रंगों का संयोजन करने से होता है। रंगों का चयन कैसे करते हैं? स्पष्ट उत्तर मिलेगा। यहाँ हम आकृतियाँ देख रहे हैं, एक चार्ट है, चार्ट में देख रहे हैं वृत्ताकार सबसे पहले, फिर वर्गाकार, उसके बाद षटभुजाकार और साथ साथ कोई डिज़ाइन जैसे मोर की डिज़ाइन यहाँ पर हम देख रहे हैं। यह है कई तरह की आकृतियाँ और ये है सामग्री। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु, रंगों का चयन। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। रंग सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और उन 7 रंगों को मिलाकर सुंदर अल्पना निर्माण किया जाता है। रंगों का चयन अवसर
आकार, स्थान व फर्श के रंग को देखकर किया जाना चाहिए। छात्राएं यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगी, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, साथ ही साथ मूल्यांकन कर लिया जाएगा रंगों का जो है चयन कैसे करना चाहिए। प्रश्न यहाँ मूल्यांकन के लिए कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम अनुमान लगा लेंगे छात्रों ने कितना सीखा। यहाँ देखेंगे संक्षिप्तीकरण नवीन ज्ञान संश्लेषण इसका उद्देश्य है। अल्पना किसी विशेष अवसर पर अवश्य बनानी चाहिए। अल्पना लोगों को प्रसन्न करने का साधन है और उसके साथ साथ शुभ व सुंदरता का प्रतीक है। अल्पना की जो है रूपरेखा पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए, साथ ही साथ रंगों का भी चयन कर लेना चाहिए। प्रत्येक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छात्र छात्राएं हैं ध्यानपूर्वक सुन रही हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा है। श्याम पटकथा है इसके साथ हम देखेंगे नवीन ज्ञान स्थायीकरण इसका उद्देश्य है। प्रत्येक शिक्षण बिंदु को श्याम पट पर अंकित किया जाएगा। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं श्याम पट, सारी प्रविष्टियाँ अंकित की गई हैं, टॉपिक भी अंकित किया गया है, निर्माण सामग्री में जो सामान है वह लिखा गया है, अल्पना की रूपरेखा और कल्पना, रंगों का चयन, तो ये सब जो बिंदु हैं श्याम पट पर अंकित हैं, जिससे कि पाठ का जो सार है श्याम पट पर आ जाता है। अब हम इसके साथ देख रहे हैं निरीक्षण कार्य लेखन कौशल का विकास, यानी कि लेखन कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य है। छात्रा अध्यापिका छात्राओं को निरीक्षित करेंगी व श्याम पट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारने का आदेश देंगी। छात्राएं श्याम पट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारेंगी व पूर्व दिवस के कार्य का निरीक्षण कराएंगी। यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है, निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखेंगे गृह कार्य यानी कि होमवर्क, अभ्यास एक्सरसाइज करने इसका उद्देश्य है। अल्पना निर्माण के विषय में वर्णन कीजिए, गृह कार्य छात्राओं को दिया जा सकता है। छात्राएं गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारेंगी, यहाँ पर अभ्यास विधि का प्रयोग हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा पाठ योजना तैयार करना और जिसका टॉपिक था अल्पना निर्माण। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।